मेरी एक 1.5 साल की डॉटर है, उसके पास में मैं बैठा हुआ था, टीवी चल रहा था और मैं खाना खा रहा था, और खाना खाते खाते मैंने अपने मुंह में, जैसे होता नहीं है कि रोटी खा रहे होते हैं और वो चबा रहे होते हैं उसको, तो बड़ा गंदा सा कुछ नहीं बन जाता मुंह के अंदर, वो पेस्ट जब मुंह में बन जाता है, अब सोचो, इमेजिन करो कि मैं वो पेस्ट अभी अपने मुंह में बना लूँ खाते खाते और आपको दिखाऊँ, तो क्या होगा? और उस पेस्ट को बाहर निकाल दूँ तो क्या होगा? आपका पेस्ट बाहर आ जाएगा। एग्जैक्टली, है ना, आपका फेस बाहर आ जाएगा सच में। देखो, अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैं अपनी डॉटर के साथ में बैठा हुआ था 1.5 साल की, बड़े ध्यान से समझना, एक बहुत छोटा सा एक वो है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन इससे आपकी एक लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व हो सकती है, अगर ये समझ आ गई बात तो। तो मैं उसके साथ में बैठा हुआ था और मैंने क्या किया, इस पेस्ट को बना करके मुंह खोल के उसको दिखाया, आ तो वो ना हंसी ना परेशान हुई, फिर मैंने हल्की सी मुंह बंद किया और मैंने स्माइल पास करी, हाँ मैं हंसा, वो हंसने लग गई, फिर मैंने मुंह खोला बंद किया और वो हंसने लग गई, फिर जैसे ही मैंने मुंह खोला वो फिर हंसने लग गई, मुंह बंद किया सीरियस हो गई, फिर मुंह बंद मुंह खोला बहुत तेज तेज हंसने लग गई। बच्चों को आप समझ ही रहे होगे कैसे हंसते हैं बच्चे, कि रुक ही नहीं रही थी, हंसे जा रही हंसे जा रही, उसको लगा मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, मतलब एक गेम था उसके लिए, जो आप लोगों के लिए क्या था, पेस्ट बाहर आने वाली गेम। फिर वही चीज़ मैंने अपनी वाइफ को दिखाई, वो साथ में बैठी हुई, तो मैंने अपनी वाइफ को दिखा दिया, वो मुंह खोल के पेस्ट एकदम से मेरा दिखाया, मैंने कहा देखना जरा कुछ है क्या मुंह के अंदर, उसने बड़े ध्यान से देखा, नहीं कुछ नहीं है, क्या है ये क्या है? मतलब थोड़ी थोड़ी उसकी शक्ल बननी शुरू हो गई, मैंने कहा देख तो सही कुछ दिखेगा तेरे को, देख एक बार ध्यान से देख, और वो देखे जा रही, कहती क्या है ये गंदा सा, हटाओ ना इसको, मतलब शी लिटरली गॉट इरिटेटेड। और उसकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही करता, क्या फर्क था उस 1.5 साल की बच्ची में और उस ग्रोन अप एडल्ट में, या हम में और उन बच्चों में क्या फर्क है? ईजीओ, ईगो, आई है ही नहीं, ये आई है क्या, आई इज नथिंग बट योर पास्ट एक्सपीरियंस, बचपन से लेकर आज तक जो भी चीजें आपने अपने दिमाग में बिठा रखी है, एक पूरी की पूरी कहानी बना रखी है और उस कहानी के साथ में आप जुड़े हुए हो, ये वो आई है, ये आपको खुल के जिंदगी जीने नहीं दे रही, इसी की वजह से सारे डर हैं। आप इमेजिन करो कि अगर अभी मैं आप सबसे आपका पास्ट ले लूं, छीन लूं थोड़ी देर के लिए, मेरे पास में ऐसी कोई मशीन हो, साइंस जिस तरीके से तरक्की कर रही है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसी मशीन बनने में, कि आपके माइंड में कोई प्लग लगाया और आपकी याददाश्त गायब, पूरे तरीके से ब्लैंक, सब भूल गए, तो क्या अभी इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? हम अभी पैदा हो गए, अभी पैदा हो गए, न्यू बॉर्न, एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली, वो कपड़े पहन के वो बात अलग है, न्यू बॉर्न बेबी, तो वो क्या कभी दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है? नहीं हो सकता, वो क्या करेगा, उसके लिए कुछ भी हो रहा हो उसके लिए सब आनंद है, सब मजा है, सब मस्ती है। जैसे ही हमारा माइंड लेवल लगाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अच्छा ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम, बुरा आने की वजह से प्रॉब्लम, बुरा ना आ जाए फिर से ये प्रॉब्लम, अच्छा चला गया तो क्या होगा ये प्रॉब्लम, ये अच्छा और बुरा, इन दोनों के बीच में हम पिसते चले जा रहे हैं। किसी तरीके से कुछ देर के लिए अगर आप इन दोनों चीजों से फ्री हो जाओ, मतलब कि अपने पास से फ्री हो जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर भी खत्म, पास्ट ही फ्यूचर को पैदा करता है। अगर आपकी याददाश्त पूरी तरह से निकाल दी जाए, मतलब आपको लैंग्वेज भी नहीं पता, आपको यह भी नहीं पता कि ये आपकी बॉडी है, BODY, ये क्या है, अल्फाबेट्स हैं जो किसी ने आपको सिखाए हैं, किसी ने बचपन में आकर के आपको बताया है कि देखो ये तुम हो बेटे, कौन है, कौन है, संदीप, ये कौन है, कौन है, संदीप, संदीप क्या होता है, SANDEEP, कैसे हमने नाम लिखना सीखा था, याद करो उस बात को, अगर वो याददाश्त भी निकाल दो तो आपको ये तक नहीं पता कि ये आपकी बॉडी है या किसी और की बॉडी है। जब आपकी ये बॉडी है ही नहीं तो क्या है? ये हटने के बाद में, जब ये पास्ट हटा, इसके साथ में ही फ्यूचर हटा, क्योंकि हमारा जो भी प्लान है, जो भी कुछ है, वो उस पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे ही है, उस पास्ट नॉलेज के बेस पे है। जैसे ही पास्ट हटा और फ्यूचर हट गया तो क्या रह गया? प्रेजेंट रह गया, और उस प्रेजेंट में जो बच जाता है उसको भगवान बोलते हैं,
उसको आत्मा बोलते हैं, उसको परमात्मा बोलते हैं, वो आप हो। क्योंकि सब कुछ मिटने के बाद भी अगर मैं आपकी पूरी याददाश्त निकाल दूं, सब कुछ मिट गया, वो आई मिट गया जिसको आप आई बोलते हो, आई गायब ना। अगर आपकी याददाश्त गई तो आप आई किसको बोलोगे? आपको आई नाम का अल्फाबेट ही नहीं पता। उसके बाद क्या रह गया? कुछ बचा जो आपके थ्रू देख रहा है, आपकी बॉडी के थ्रू सुन रहा है, आपकी बॉडी के थ्रू चीजों को फील कर रहा है। कौन है वो? वो आप हो। उसी को आत्मा बोलते हैं, उसी को परमात्मा बोलते हैं। तो एक स्मॉलर सेल्फ है जिसको आपने अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे, और उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे एक फ्यूचर प्रोजेक्शन चल रही है कि मैं ये था और मुझे ये बनना है। लेकिन आप ये दोनों ही नहीं हो। हार्ड डिस्क में एक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जिसको पास्ट बोलते हैं। ये सच है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो आप नहीं हो। कंप्यूटर में आपका नाम लिखा हुआ है, ये सच है, लेकिन वो आप नहीं हो। आप तो यहां खड़े होकर के उस नाम को देख रहे हो। शीशे में आपकी परछाई दिख रही है, ये सच है कि वो आपकी परछाई है, लेकिन आप कहो मैं ये हूं तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। तो आप क्या हो? प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंस हो, वो प्रेजेंस जो कभी कहीं नहीं जाती। माइंड में किसी ने कुछ भी क्रिएट किया हुआ है, इसी को कर्म बोलते हैं। मतलब कोई भगवान की वजह से सफर नहीं कर रहा, जो उन्होंने अपनी पास से रिलेटेड कहानी माइंड में बना रखी है उसकी वजह से या तो सफर कर रहा है या उसकी वजह से खुश हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो किसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो जो आप एक्सपीरियंस करोगे उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, उसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट, उसको बोलते हैं मोक्ष, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त होना। ना कुछ पाने का लालच होगा, ना कुछ खोने का डर होगा, उसके बाद भी सब कुछ होगा। तो कुछ देर के लिए आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखो इसको। वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं क्या करना है, और इसको रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्या करना है। आप किसी भी पार्क में जाके बैठ जाओ या घर में बैठे हुए हो अकेले में, इमेजिन करो एक यज्ञ चल रहा है। याद रखना ये जो यज्ञ है, पूजा पाठ है, बलि देना है, कुर्बानियां देना है, ये सब दिखाने के लिए करने से कुछ नहीं होता। ये सब भाव का खेल है, फीलिंग का खेल है। आप एक्चुअल में यज्ञ नहीं कर रहे, लेकिन मन में आप यज्ञ कर लो, वो उससे हजार गुना ज्यादा पावरफुल है। तो मन में आपने क्या किया, इमेजिन किया कि यहां पर अभी आप लोग सब इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ भाव में मतलब कि फीलिंग में एक बार ऑनेस्टली जो चीज मैं बोलने वाला हूं उसको करने की कोशिश करो, उसको देखो, उस चीज को ऑनेस्टली करो सिर्फ दो मिनट के लिए, और फिर देखो क्या होता है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या होगा। और उस यज्ञ के अंदर ले जा करके आपने अपनी सबसे कीमती चीज उठा करके उस यज्ञ में डाल दी, झोंक दी। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं जाएगी, वो थोड़ी देर के लिए चली जाएगी, वो जा नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए आपने जा करके उसका सेक्रीफाइस कर दिया। वो क्या है? अपनी याददाश्त समर्पयामी, बोलते हैं ना जलम समर्पयामी, ऐसे ही याददाश्त समर्पयामी, कि मेरी जो याददाश्त है वो परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, उसको मैंने दे दिया। तेरा तुझको अर्पण, तूने जो मुझे सांसें दी उसी की वजह से तो वो सारे एक्सपीरियंसेस हुए, मेरे हक थोड़ी है उसके ऊपर, तेरा हक था, ले भाई तेरा तुझको दिया। पूरे भाव से उठा करके अपने पास्ट की पूरी पिक्चर चला दो फटाफट से, एक मिनट के अंदर अंदर, बचपन से आप बड़े हुए यहां तक पहुंचे, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आ गया, उसका एक माइंड में एक बंडल बनाओ पूरा का पूरा, और उस बंडल को उठा करके इसमें डाल दो आग में, सिर्फ अगले दो मिनट के लिए, अगले आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं आप इसको, इफ यू वांट टू फील इट कंप्लीटली। हाँ खोल लीजिए अपनी, जैसे कोई थॉट आए यादाश्त तो जा चुकी है, कौन है ये, कौन है पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत सुंदर है, अच्छा है बुरा है पता नहीं, मैं कौन है और तू कौन है
पता नहीं क्या पता। भक्त कौन है, भगवान कौन है, पता नहीं। कौन बुरा है यहां पे, पता नहीं। ध्यान से देखो, किसी के अंदर बुराई नजर आ रही है? किसी के एक के भी अंदर आ जाए तो मुझे बता देना। ध्यान से देख लो, यहां पे इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी एक के अंदर भी बुराई नजर आ रही है? इसका मतलब क्या है कि वो बुराई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। कमाल है। जैसे कबीर ने कहा था, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसका मतलब समझ आ रहा है? हम वो खोने से डरते हैं जो है ही नहीं। आपने वो सुना है मेरा, जो मैंने एक पोइट्री लिखी थी छोटी सी, खुद को खोकर खुद को पालूंगा। किसको खोया आपने और क्या पाया? इसी एक्सपीरियंस को जब आप गहरा करते चले जाओगे तो एफर्टलेसली होने लग जाएगा। बट यहां पर फर्क क्या है, और पूरी तरह से जब आप लिबरेट हो जाओगे उसमें क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है। अभी हम सब यहां पर ढोंग कर रहे हैं अपनी याददाश्त को खोने का, जो कुछ देर के लिए आप कर सकते हो, लेकिन फिर वो पास्ट आकर के आपको पकड़ लेगा और फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही पास्ट में ध्यान गया, फ्यूचर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। फ्यूचर में ध्यान गया, पास्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो लिबरेशन में क्या फर्क है? जब आप पूरी तरह से इन चीजों को समझ जाओगे, अंदर तक जाकर के गढ़ जाओगे, क्या फर्क होगा? मेमोरी पड़ी रहेगी, याददाश्त पड़ी रहेगी, लेकिन आपका ध्यान वहां से हट करके यहां आ जाएगा। 24/7 यू विल बी देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब ऐसा नहीं है वो याददाश्त मर गई, उस याददाश्त में से इस वक्त जिस चीज की जरूरत होगी वो आप नहीं जाओगे वहां पे जाकर के लेकर के नहीं आओगे, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, वो अपने आप वहां से निकल करके आपके सामने आ जाएगी। इस प्रेजेंट मोमेंट में गड़े रहना, इसी को बोलते हैं स्थिर प्रज्ञ। प्रज्ञ मतलब विजडम, स्थिर, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। पास्ट में जाकर के आप कुछ बदल सकते हो? नहीं कर सकते। फ्यूचर में जा सकते हो, जी सकते हो, फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर को? नहीं कर सकते। तो बचा क्या? आप चाहो भी तो पास्ट और फ्यूचर में नहीं रह सकते। यू डोंट हैव अ चॉइस। या तो ऑप्शन होता तब समझ आता, चलो यार इन तीनों में से एक को चूज कर लो। यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन। तो आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना है, जो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। उसका जवाब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में है। वो जवाब कहां मिलेगा? भगवद गीता में मिलेगा, वेदों में मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा, कुरान में मिलेगा, बाइबल में मिलेगा, और ऐसी हजारों बुक्स में मिलेगा। और जब तक आप ये नहीं सीखते, इस दुनिया में कुछ भी बना लो, वो कब पास्ट हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। भागते रहेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, पता भी नहीं लगेगा। कब जाकर के शीशा देखेंगे, बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, एक दिन इतना देर हो जाएगी कि हमें समझ आएगा कि यार ये सब भाग करके जो बनाया वो किसके लिए बनाया? पीछे छोड़ के जाने के लिए? किसके लिए भाई? कौन है? भूतकाल मतलब भूत, भूत मतलब जो है ही नहीं, भूत मतलब दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो है ही नहीं। उसको पकड़ोगे तो क्या क्रिएट होगा? भविष्य, अगेन जो है ही नहीं। सब कुछ माइंड में है, दोनों ही चीजें माइंड में है, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक को भी छोड़ दो, दूसरा अपने आप छूट जाएगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना है, यही स्पिरिचुअलिटी है, यह मेडिटेशन का लास्ट गोल है। अगर इस गोल को हम ना समझे और मेडिटेशन करते करते यहां पे लाइट्स देखने की कोशिश करें, समाधियों में जाने की कोशिश करें, पुनर्जन्म देखने की कोशिश करें, यहां जाएं वहां जाएं, क्या फायदा? उससे अच्छा तो एक मटेरियल आदमी है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आदमी है वो कम से कम उसको दिख तो रहा है जिसके पीछे वो भाग रहा है। जो स्पिरिचुअल आदमी है और मेडिटेशन में ऐसी उल्टी सीधी जगहों पर भाग रहा है, उसे तो पता ही नहीं वो जा कहां रहा है, सपनों की दुनिया में।
कभी स्वर्ग देख रहा है, कभी नर्क देख रहा है, कभी ये देख रहा है, कभी वो देख रहा है, क्या फायदा? समझ गए? मेडिटेशन का लास्ट गोल क्या है? इमेजिनेशन से बाहर निकलना. पास्ट इज एन इमेजिनेशन, फ्यूचर इज एन इमेजिनेशन, प्रेजेंट मोमेंट में खड़े रहना. बुद्ध से भी जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने क्या कह करके छोड़ दिया, उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताए. नहीं तो लोग बड़ी अच्छी अच्छी वो चीजें बना देते हैं कि एनलाइटनमेंट का मतलब है स्वर्ग होगा, ये होगा, वो होगा. नहीं, उन्होंने सिंपल एक लाइन में बोला, द एंड ऑफ सफरिंग, दैट इज एनलाइटनमेंट. सो सिंपल, मतलब दुखों का अंत, जब सारे दुख खत्म हो जाएंगे. दुख कब खत्म होंगे? जब पास्ट खत्म हो जाएगा, या ये कहो पास्ट से अटैचमेंट खत्म हो जाएगा. सो सिंपल, पास्ट रहेगा, पास्ट है, पास्ट से अटैचमेंट नहीं. माइंड भागता भी है पास्ट में, तो मैं खड़े होकर के उस माइंड को देखता हूं, हंसता हूं, कहता हूं भाग बेटा, भाग कितना भागेगा, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ, भाग. माइंड डर जाता है, या तो गायब हो जाता है या वापस प्रेजेंट में आ जाता है. माइंड फ्यूचर में भागता है, भाग बेटा, जाना कहां जाएगा, किसको पकड़ेगा, क्या पाएगा, पाके दिखा, नहीं पा पा रहा, आजा वापस आजा, वहां कुछ है ही नहीं पाने को, ना वहां कुछ है ना यहां कुछ है, यहां है ना, आजा बेटा माइंड यहां पे आकर के देख इस दुनिया को और बता कौन किससे अलग है. सिर्फ एक गलतफहमी हो गई है इस पास्ट कहानी की वजह से कि हम सब एक दूसरे से अलग अलग है. कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है, ना साइंटिफिकली हम एक दूसरे से अलग है, ना स्पिरिचुअली हम एक दूसरे से अलग है. सिर्फ माइंड के लेवल पे, अपनी इमेजिनेशन के लेवल पे हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और खुद ही सफर कर रहे हैं. जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान, जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया कि हम सब एक हैं, कहीं कुछ अलग है ही नहीं, अभी जैसे ही हमारी याददाश्त गई तो वही जो मेरे अंदर से देख रहा है वही आपके अंदर से देख रहा है, वही जो मेरे अंदर से सुन रहा है वही आपके अंदर से सुन रहा है. वो एक ही धागा है जिसने हम सबको पिरोया हुआ है. एक्सपीरियंस किया अभी आप में से कुछ लोगों ने, कुछ सेकंड्स के लिए, जरूरी नहीं है एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए किया, कुछ सेकंड्स के लिए एक्सपीरियंस किया जब सही में आप अपने आप को भूल गए थे और सिर्फ देख रहे थे चीजों को. किया किसी ने एक्सपीरियंस? बहुत सारे लोगों ने किया. यही एनलाइटनमेंट है. एनलाइटनमेंट इज नॉट अ पॉइंट, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस ऑफ एवरी सिंगल मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपकी चॉइस है कि मुझे ये स्टेट समझ नहीं आ रही, ये वाली स्टेट प्रेजेंट मोमेंट की, भाई मुझे तो पास्ट में ही मजा आ रहा है. सोच सोच करके या तो खुश होते रहो या दुखी होते रहो, या फ्यूचर में मजा आ रहा है. और जो लोग स्थिर होते चले जा रहे हैं उनमें क्या फर्क है? उन्हें ना वहां मजा आ रहा है ना यहां मजा आ रहा है, उन्हें यहां मजा आ रहा है.